प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इसी कड़ी में नोएडा में भी सांसद महेश शर्मा ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। नोएडा में पहले दिन 6 स्वास्थ्य केंद्रों पर 600 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और एक सेंटर पर अधिकतम 100 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और इस समय हम साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा सांसद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इन्हें भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, यहाँ रख दीजिए। कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, एक व्यवस्था के तहत जो वैक्सीन मुझे लगाई गई, मुझे खुशी है और मुझे करीबन 1.5 घंटा हो चुका है। कोई मुझे दिक्कत नहीं है वैक्सीन लगवाने के बाद भी, और किसी तरह की तकलीफ, कोई घबराहट, कोई कुछ भी दिक्कत मुझे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं, पूरी तन्मयता से, पूरी तैयारियों के साथ करते हैं, और आपसी व्यवस्थाओं का एक अच्छा रूप आज हमें देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।